थैंक यू सो मच भारत सिंपी सर। जो फ्रेंड्स ये थे हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट भारत सिंपी सर, और भारत सिंपी सर ने जो फ्रेंड्स बुलाए ना, वाकई में फ्रेंड्स रियल में मन की बात इनके के साथ जो की उन्होंने फ्रेंड्स रियल में, अभी भी भारत सिंपी सर ने बोला है कि जो हमारे एसर के बारे में, मतलब बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर जो एजुकेशन नहीं लिया उन्होंने, वो जो बात कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये बात तो मतलब रियल में अपने आप को बहुत कोसेंगे, वो आने वाले टाइम में अपने आप को बहुत कोसेंगे कि रियल में यार हमने क्या किया। देखो आप कल 360 में आपको पता चलेगा, क्योंकि देखो कल एक वीडियो आया है उसमें बहुत सारे कंट्री वाइज ऑफिसेस के नाम है ना, तो उसका मतलब जो मतलब उसका जो डीएनए होगा वो कल 360 का रहेगा, मतलब 3:30 बजे, तो तभी मालूम चलेगा फ्रेंड्स, है ना। बैकएंड पे इतने बड़े लेवल पे काम होते हैं वो हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हम तो वहां पे जाते नहीं है, हम तो कोई आईटी के एक्सपर्ट नहीं है, है ना, हमें तो कोई नॉलेज नहीं है, हमको नॉलेज नहीं, एजुकेशन भी नहीं, इसके लिए हम जैसा मन में आए वैसा बोलते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग कहाँ है, वो बेढक का जो ये होता है ना उतना ही है, उससे ऊपर कहाँ उठे हम लोग, है ना। तो रियल में आज हमारे भारत सिंपी सर ने जो फ्रेंड की, तो थैंक यू सो मच भारत सिंपी सर। अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट मिथिलेश सर, प्लीज वेलकम सर, आपसे भी सुनना चाहिए मन की बात अखिल भारत के साथ। यस वेलकम। धन्यवाद सर, धन्यवाद भाटकर सर, आपने मुझे आमंत्रित किया इस मंच पे, आपने मेरी आवाज आ रही का... जी आपकी आवाज आ रही सर। हेलो, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? यस मिथिलेश सर वेलकम। ओके थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं थैंक यू करना चाहूंगा अजय शर्मा सर को भी, लगातार इतने समय से वो इस मंच को इस तरह से सजाए हुए हैं, मैं ऋणी रहूंगा। मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि इनक्रेडिबल इंडिया का जो मंच है ना, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मंच है। सो धन्यवाद सर भाटकर सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़ी अच्छी बात अभी अजय सर जी ने बताया, उन्होंने कहा कि एस सर जो हमें दिए हैं, क्या जितना पैसा लेकर हम फाउंडिंग मेंबर बने हैं, क्या आने वाला समय में इतना ही पैसा किसी दूसरे बिजनेस में लगा करके हम बना पाएंगे। आज जितने भी लोग इस पैनल पे आए हुए हैं, और ये 1,427,483 लोग जो भी हैं, जो भी लोग हैं, मैं राउंड फिगर नहीं क्लियर करना चाहूंगा, बट मैं एक चीज बताना चाहूंगा सर कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, जितने भी लोग हैं इस प्लेनेट के, सभी वो सदस्य हैं, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ऊपर वाला ने स्पेशली उनको चुना है ऑन पैसिव के लिए। जो लोग शिकायत करते हैं वो अपने आप को सर इतना अपने आप में ग्लानित फील करेंगे आने वाला करीब समय में, इतना वो महसूस करेंगे कि किसी से नजर नहीं मिला पाएंगे सर। ऐसा नहीं है कि वो आज किसी को शिकायत करके घर बैठ जाते हैं, चुप रह जाते हैं, तो उन्हें हम और आप नहीं पहचान पाएंगे, बिल्कुल पहचानेंगे, और उन्हीं को उनके सामने उनको हम ये दर्पण दिखाएंगे कि भाई ये तुम ही व्यक्ति हो जो तुम शिकायत कर रहे थे। सो ये शिकायत करना बंद करें, आप समझने की कोशिश करें ऑन पैसिव क्या है। ऑन पैसिव जितने समय से बन रही है हमारे लिए बन रही है, ये बात आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? जिस दिन आप गहराई से बिल्कुल तसल्ली से आप बैठ करके सोचे, आधा घंटा मात्र समय निकालिए ऑन पैसिव के लिए, और इसके जितने भी टेक्निकल चीजें उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, आपका सारा भ्रम दूर होने वाला है सर, सारी चीजें आपकी दूर हो जाएगी, किसी से बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। ये शिकायत कैसा आप ही के लिए भविष्य बनाया जा रहा है माय डियर फ्रेंड, तो शिकायत करना बंद करें। और मैं एक कहानी शेयर करना चाहूंगा, कहानी से पहले दो बातें हैं वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। हम सब ऐसे इंडस्ट्री से हैं, तीन शब्द की इंडस्ट्री है माय डियर फ्रेंड, मैं नाम नहीं भूलना चाहूंगा, पिछले कई सालों से मैं भी उस इंडस्ट्री से हूं, आप सब भी हैं, और ये 1,427,483 लोग जो भी हैं वो कहीं ना कहीं है उसी से। मैं बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो हमने सुना है, कंफर्ट जोन के बारे में जितनी बातें बताई गई है, आज मैं उसी से कुछ बातें आपको ऐसी क्लियर करूंगा कि आप कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी, और ये 5 से 7 मिनट आपका बहुत ही बेहतर होने वाला है माय डियर फ्रेंड, बहुत ही बेहतर। आप याद रखेंगे कि
आज का ये दिन रामनवमी के दिन मैं रामनवमी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति स्ट्रेस नहीं लेते हैं वो लंबा आयु नहीं जी पाते हैं। आप उंगली उठा सकते हैं कि भाई आप ये कैसे बोल दिए, मैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहना चाहता हूं। जब हम टेंशन फ्री रहेंगे तभी तो हम लंबा जी पाएंगे। लेकिन मैं अभी आपको कहानी के माध्यम से क्लियर करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, कि जो व्यक्ति थोड़ा सा स्ट्रेस लेता है, टेंशन लेता है, वो लंबा जीता है। ठीक है, मैं दूसरी एक बात और क्लियर करना चाहूंगा कहानी से पहले। आपने अपने इर्द गिर्द या फिर आए दिन पेपर में सुना होगा या पड़ोसी में सुना होगा कि एक व्यक्ति थे लगभग 55-60 साल की उम्र में, नौकरी से रिटायर हुए और अच्छा पैसा मिला उनको और उस पैसे को भोग नहीं पाए। माय डियर फ्रेंड, अभी कुछ समय के बाद हम लोग को जो एप्पल आने वाला है, मैं उस वजह से ये कहानी आपको बताना चाह रहा हूं। तो उस व्यक्ति को आप सुने होंगे कि जिसने रिटायर किया और मात्र 6 महीना भी नहीं जी पाया, 2 महीना भी नहीं जी पाया, 1 सप्ताह भी नहीं जी पाया। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति, और वो दुनिया को चले गए, दुनिया से छोड़ के चले गए। ऐसा क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने माइंड को एक मैसेज दे दिया कि अब मेरे जिंदगी में कुछ नहीं है, बस हो गई मेरी, बस हो गई मेरी। और ऐसे व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने माइंड को ये मैसेज दे देते हैं कि अब कुछ नहीं, खत्म, तो उनका लाइफ खत्म हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, चलिए मैं कहानी पे पहुंचता हूँ। ये कहानी से पहले ये जो चीजें मैंने आपको बताया है, ये सारांश है कहानी का। आपको मैं कहानी पे लेके चलता हूँ माय डियर फ्रेंड। जापान के उन पीपल की कहानी मैं आपको शेयर करना चाहूंगा जो मस्त हैं और वो मछली बहुत खाते हैं, बहुत शौकीन है वो मछली खाने के। और जापान में एक मछुआरा है, बहुत सारे मछुआरा है, एक कंपनी है ये मान के चलिए, जो मछली की क्षतिपूर्ति करते हैं। वो मार्केट में मछली लेकर आते हैं, जापान के उन पीपल को बेचने का काम करते हैं, और मछली खाता है, बड़ा ही चॉइस से खाता है, स्वाद बड़ा मिलता है। माय डियर फ्रेंड, बट होता क्या है, कुछ समय के बाद मछली का सेल कम जाता है, तो मछुआरे की जो कंपनी होती है वो टेंशन में आ जाता है। वो कहता है हमारा मछली का सेल कम गया, कारण क्या? कारण ये रहा माय डियर फ्रेंड कि जब वो मार्केट में मछली ला रहा था पहले, तो समुद्र के किनारे से मछली ला रहा था और बड़े ही आसान से मार्केट में ला के सप्लाई कर देता था, सबको ताजा मछली मिलता था, बड़े ही स्वाद से खाते थे। जब मछली पर्याप्त मात्रा नहीं मिलने लगा समुद्र के किनारे से, तो मछुआरे ने क्या किया, समुद्र के थोड़े और दूसरे दूसरे साइड पे जाकर के मछली लाने का काम किया। कहने का मतलब थोड़ा और दूर लेके समुद्र के किनारे गया, अंदर गया। तो हुआ क्या कि जब वहां से मछली लाना स्टार्ट किया, मार्केट में ला के दिया, तो लोग शिकायत करने लगे। माय डियर फ्रेंड, ये कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके।